Okay, this session is basically on the two-dimensional or on the special pattern designing, right? जो हमारा आज का बेसिकली होगा वो हम पैटर्न डिजाइनिंग के ऊपर काम करेंगे. लाइक प्रोग्रामिंग में हमेशा एक टास्क रहा है, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को शो करना है तो उसके लिए किस तरह की कोडिंग होनी चाहिए. लाइक इन दिस एग्जांपल्स, इफ यू कैन एबल टू सी इन द स्लाइड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स. में आगे भी कुछ पैटर्न्स होंगे और भी, राइट, इफ यू कैन एबल टू सी. तो ये समझने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है. अगेन इट इज अ कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल. Because if you can see the output again, मेरा वही पार्ट रहेगा कि हमेशा आउटपुट से ही आपका कोड बनता है, ठीक है. अब जब भी आपको कोई किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी दिखे, बी श्योर वहां पे देखो उसमें रो कॉलम्स कितनी है. रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं. दीज आर द कॉलम्स. इसका मतलब यहां से तो क्लियर होगा ये टू डायमेंशनल है क्योंकि इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, राइट. रोज एंड कॉलम्स बोथ आर देयर. तो इसका मतलब ये टू डायमेंशनल है. इसका मतलब यहाँ पे फोर लूप्स लगेंगी, दो. तो कल भी मैंने आपको बताया था टू डायमेंशनल मतलब दो लूप्स, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए. चलो सबसे पहले एक टास्क पे आ रहा हूँ. ये वाले जो मेरा टास्क है इसपे सीधी सी बात है, ध्यान से देखो. अगर इफ यू कैन एबल टू सी द आउटपुट क्लियरली, हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर बेसिकली फोर रोज एंड थ्री कॉलम्स. फोर रोज थ्री कॉलम्स, चलो वो भी ठीक है. यहाँ इसका मतलब चार रोज है, आई की वैल्यू का कर लूंगा चार कर लूंगा, कॉलम के लिए जे लिया है तो जे में रख दूंगा तीन, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि क्या हर लाइन में, हर रो में मेरा डाटा पूरा कंप्लीट है. हाँ, हर एक रो में देखो, हर एक रो में मेरा डाटा तीन तीन स्टार पूरे है. अब इसका मतलब इसको इस तरह से देखते हैं, रो मैंने चार बना दी, कॉलम मैंने तीन बना लिए. आई की वैल्यू वन से लेकर फोर तक चलेगी, जे की वैल्यू वन से लेकर थ्री तक चलेगी. इसका मतलब मुझे मेरी लूप क्लियर हो गई. It means by that कि इसकी लूपिंग कैसे होगी. दिस इज द वे हाउ द लूपिंग विल डू विल बी डन. लाइक यहाँ पे मेरी रो कितनी रहेगी वन से लेके फोर तक, कॉलम कितना जाएगा वन से लेके थ्री तक, राइट. तो फॉर लूप i = 1 up to 4 और j इक्वल टू वन लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, j इक्वल टू वन से लेके j लेस देन इक्वल टू थ्री. अब प्रिंट क्या कराना है, हमेशा मैं कहता हूँ डाटा, कल भी मैंने कहा था डाटा कौन प्रिंट कराता है, डाटा प्रिंट कराता है कॉलम वाला डाटा, ठीक है. इसका मतलब हम जो स्टार डालना है हमने नेस्टेड जे में डालेंगे, मतलब जे में डालेंगे, ठीक है. अगर इसको मैं, चलो मैं इसका प्रोग्राम करके दिखाता हूँ सो दैट आपको और क्लियर होगा. ये मैंने सब कुछ कर दिया डिलीट, ठीक है. ये करैक्टर की जगह मैं ले लूंगा इंटीजर, मैं अरे ले ही नहीं रहा सीधा का. मैंने कहा फॉर आई इक्वल टू इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हम नेक्स्ट लाइन के जाने के लिए क्या यूज करते हैं, एंडल एंड फॉर द लाइन या स्लैश एन, जो भी आपने लगाना चाहो. फॉर, अब यहां पे किसके लिए आऊंगा, जे की लूप, जे इक्वल टू वन से लेके जे लेस देन इक्वल टू थ्री तक, जे प्लस प्लस. यहां पे मैंने क्या प्रिंट कराना है, कुछ भी, वट एवर बी द टेक्स्ट यू वांट टू प्रिंट. मैंने स्टार प्रिंट कराना है, स्टार करा लो, ब्रैकेट आफ्टर देन. ध्यान से देखो कुछ भी नहीं है, ये मेरा है बेसिकली
this is of row, this is of column. अगर मैं इसको चलाता हूं then you will get, एक सेकेंड, अच्छा यहां पे वन नहीं लिखा इसलिए, ठीक है. Now you can see. I will get the desired output. I equal to वही चार डॉट ये चला कैसे सबसे पहले देखो. सबसे पहले I की वैल्यू हुई वन, रो की वैल्यू वन, मतलब पहली रो में गए, अंदर गए, नेक्स्ट लाइन पे चले गए. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉलम स्टार्ट हुआ. सबसे पहले कॉलम नंबर वन में आके एक बार स्टार प्रिंट कराया, फिर अभी कॉलम वाली लूप मेरी खत्म नहीं हुई कि वापस मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि तो देखो ना ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब इंटरनली पहले पूरी फॉर लूप कंप्लीट होगी. अब जे की वैल्यू क्या हुई? टू. अब दूसरी बारी स्टार प्रिंट हो गया, फिर जे की वैल्यू थ्री, तीसरी बारी स्टार हो गया प्रिंट, ये लूप खत्म हो गई. इसके बाद वो गया दोबारा ऊपर आई पे. अब आई की वैल्यू वन के लिए चला था, अब किसके लिए चलेगा? आई की वैल्यू टू के लिए. फिर आई की वैल्यू टू के लिए नेक्स्ट लाइन पे आया, अगेन इट विल प्रिंट द स्टार्स थ्री टाइम्स, अगेन बैक. इसलिए इसी तरह टू और थ्री और फोर, चार बारी ये चलेगा, ठीक है. दिस इज हाउ योर स्टार्स विल प्रिंट. अब बात आती है कि यहाँ पे ये वाले जो केसेस होते हैं ये होते हैं थोड़े से यू कैन से डिफरेंट, बिकॉज द रीजन इज दैट इसमें मैं पूरा डाटा प्रिंट नहीं करा रहा, इसमें मैं कट मार रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ कुछ डाटा, रिमूव कर रहा हूँ या एक पैटर्न दे रहा हूं. इस केस में कैसे करना है ये देखो, एक ही पैटर्न है. अगर बुकिश लैंग्वेज या बुक्स के एग्जांपल के तरह जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी. दिस इज द सिंपल, कह लो ना पंजाबी में कि देसी तरीका है ये, दिस इज द बेस्ट वन. आई देख लो कितनी है, जे देख लो कितनी है, एग्जैक्ट टोटल तो मेरी चार चार है ना, बट यहां पे देखने वाली बात क्या है? ठीक है मेरा रो क्या है, मेरा रो चार रोज है. सबसे पहले मैं किसमें जाऊंगा? वन में. इसका मतलब रो तो मैं स्टार्ट हमेशा फर्स्ट से ही करूंगा. इसका मतलब रो की लूप वन से, आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, चार तक जाएगी इंक्रीमेंट बाय वन. बट पंगा फिर वही बात है, डाटा तो कॉलम डालता है ना. अब कॉलम वाले में पंगा है, कहता कॉलम में उतने ही कॉलम में डाटा डालना है जितनी रो की वैल्यू है. अगर फर्स्ट रो है तो एक स्टार डालूंगा, दूसरी रो है तो दो स्टार, तीसरी रो है तो तीन डाटा, चौथी रो है तो चार स्टार या चार डाटा. इट मीन बाय दैट, देखो यही लॉजिक्स होते हैं जो सोचने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ये कोई सिखा नहीं सकता. इट विल कम अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस, राइट. मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ इसको देखने का, करने का कैसे तरीका है. सबसे पहले देख लो रोज कितनी है, क्या हर रो में डाटा पड़ रहा है? हाँ जी, हर रो में डाटा पड़ रहा है, मिनिमम हर रो में तो डाटा पड़ रहा है, बट हर कॉलम में डाटा नहीं पड़ रहा. क्यों नहीं पड़ रहा? कॉलम डाटा किसके अकॉर्डिंग नहीं पड़ रहा है कि डाटा डिपेंड कर रहा है कौन सी रो है. जितनी आई की वैल्यू है उतना डाटा पड़ रहा है, ठीक है ना. इसका मतलब क्या, मेरी आउटपुट प्रोग्राम इस तरह बन सकता है? देखो अगर ध्यान से लूप्स देख रहे हो, रो वाली लूप तो पूरी होगी ना, क्योंकि चार की चार रोज में मेरा डाटा जा ही रहा है. बट जो कॉलम वाला है ना, कॉलम में देखो जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई. यहां पे पिछले प्रोग्राम में था थ्री या कह लो फोर, ठीक है, बट यहां पे मैंने कह दिया ये डिपेंड करता है उस पे, रो पे. लाइक व्हाट? अब इस आउटपुट आपके सामने मैं आपको चला के दिखा रहा हूं. आई इक्वल टू वन, क्या वन चार से छोटा है? बिल्कुल ठीक है, मतलब पहली रो में चला गया, न्यू लाइन मिली, न्यू लाइन मिल गई, अंदर आया जे इक्वल टू वन. और कहां तक चले? जब तक जे की वैल्यू रो के बराबर नहीं होती. अभी रो की वैल्यू क्या है? वन है. इसका मतलब जे वन से लेके जे लेस देन इक्वल टू वन एक बार चलेगा, और यहाँ पे जे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है. आप जे भी प्रिंट करा सकते हो, जे भी करके दिखा दूंगा. यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट कराना है. वो स्टार करने के कारण एक बार स्टार प्रिंट हुआ, अगली बारी ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी होगी? दो. न्यू लाइन पे गया, न्यू लाइन पे आ गया, यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गया. उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी? दो. इसका मतलब वन से लेके टू दो बारी चलेगा, दो बारी स्टार प्रिंट हुआ, इसलिए बारी अगली बारी रो की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तीन बार चलेगा. अगली बारी चार हो जाएगी, चार बार चलेगा. सो दिस इज हाउ योर पैटर्न विल बी डिजाइंड. ये भी मैं आपको चला के दिखाता हूं, कुछ नहीं करूंगा. आई विल डू ओनली वन थिंग, एक छोटी सी चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं आई कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा हो गया खत्म. मैंने रो की वैल्यू चेंज कर दी, जे में कंडीशन लगा दी. यू कैन सी आई विल गेट द आउटपुट.
ठीक है, ये पैटर्न्स बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको यू हैव टू बी डैम क्लियर कि लॉजिक को सोचना कैसे है। बस लॉजिक सारे बना लेंगे अगर एक बार सोचना आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ही उल्टा है, ध्यान से देखो, ये ऊपर था अब ये नीचे है, कुछ नहीं यार, सीधा सा लॉजिक है, आप लूप उल्टी करनी शुरू कर दो, ठीक है ना। रो तो इसमें भी चार है, हर रो में डाटा पड़ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये है ना मेरा, इसको मैंने रो कॉलम की साइड डिवाइड कर दिया, कैसे कैसे करना है, लाइक रो के रो भी चार है, कॉलम भी चार है, बट डाटा पूरा नहीं है, इसलिए इसका लॉजिक देखो ध्यान से। फिर वही बात है, डाटा तो कॉलम ही डाल रहा है ना, डाटा तो कॉलम ही डाल रहा है ना। अब इसी लॉजिक को इस तरह से सोच लो कि कॉलम में डाटा नहीं डल रहा, ठीक है, इसका मतलब उल्टी कॉलम को उल्टा कर दो, ठीक है। कॉलम को उल्टा मतलब मैं रेदर वन से स्टार्ट करने के बजाय जो जे की लूप है मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं, फोर से, ठीक है। और कहां तक जाए, जितनी रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू कितनी है, चार। इसका मतलब पहली बारी जब मैं चार से स्टार्ट करूंगा वन तक जाएगा, डिक्रीमेंट करते करते तो कितनी काउंट हो जाएगा, चार हो जाएगा, उसके कारण यहाँ पे मैंने जे प्रिंट कराया, यहाँ पे स्टार प्रिंट होना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा चार स्टार्स। अगली बारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। अब फोर से लेकर टू तक कितने स्टार होते हैं, तीन, काउंटिंग, तो तीन स्टार हो गए। अगली बारी आई की वैल्यू कितनी होगी, तीन, यहाँ चार से लेकर तीन तक कितने होते हैं, दो स्टार, फिर चार से चार तक एक स्टार। ये भी आपको मैं चला के एक बार दिखा देता हूं, सो दैट यू विल बी डैम क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बी श्योर यहां पे अगर आप नेगेटिव नेगेटिव नहीं करोगे, इनफाइनाइट प्रोग्राम चले जाएगा आपका। यहां पे मैं कर दिया फोर से, मतलब आई वन से लेके चार तक जाएगी, जे फोर से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू आई। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब मेरे सारा कुछ इन्वर्ट हो गया, और इन्वर्ट किसके कारण हुआ, फिर वही बात, कॉलम के कारण, ठीक है। भाई कॉलम मेरा बहुत मैटर करता है कि मैं क्या करा रहा हूं। अब एक और चीज, आप जो मेरा प्रोग्राम था उसमें देख रहे थे कि वहां पे ना मैंने स्टार प्रिंट कराने की बजाय, कोई टेक्स्ट प्रिंट कराने की बजाय मैंने जे प्रिंट कराया हुआ था। चलो मैं जे करता हूं, जे में क्या है यार, देखो क्या आ जाएगा, चार प्रिंट हो जाएगा, चार तीन दो एक, सिर्फ चार। देखो ये सारी प्रैक्टिस है जितनी आप कर सकते हो, सीधा पैटर्न। अच्छा ये इतनी फास्ट चला गया, देखो 4321 43434, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छी तरह देखना है तो इसमें आप थोड़ी स्पेस डाल दो। नाउ यू कैन सी 4321 4343 एंड 4, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दोबारा वैसा बना रहा हूं, अब देखते हैं क्या होगा। आई लेस देन इक्वल टू आई कर रहा हूं मैं वन से स्टार्ट, जो मेरा पिछला प्रोग्राम था, प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब मेरी कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, डाटा का वन से, वन से लेके पहले वन तक जाएगा, वन से लेके फिर टू तक जाएगा, मीन इसका डाटा आएगा वन वन टू थ्री एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन द पैटर्न्स, बट इट इज नॉट कंप्लीट राइट नाउ, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। इसमें कुछ अभी कॉम्प्लेक्स भी करवाने लगा हूं मैं। अब आ गया मेरा, ये पहले मैंने कराए हैं टेक्स्ट वाले, अब मैं करा रहा हूं न्यूमरल्स वाले। फिर वही बात, क्या इस केस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। मेरी तीन रोज है, चार कॉलम्स है, पूरे का पूरा डाटा, जहां पूरे का पूरा डाटा हो मैंने लूप पूरी की पूरी चलानी है, रो की भी पूरी कॉलम की भी पूरी। इसका मतलब एक मिनट, एक सेकंड, हाँ, इस केस में क्या है, आई इक्वल टू वन टू थ्री, जे इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये पूरा चलेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं।
आई तीन थे और कॉलम था मेरा चार, ठीक है। बिल्कुल पूरे पूरे चलाने हमने, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। याद रखना कॉलम को रो पे तब डिपेंड करना है, तब कंडीशन लगानी है कॉलम के ऊपर। आई तब लिखना जब आपका कट हो रहा हो डाटा पूरा ना हो। नाउ यू कैन सी आपके आउटपुट आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब वही बात, इसको उल्टाना है। अगर आप 4 3 2 1 पे लेके आना चाहते हो, देन चलो इसको मैं कट करता हूं पहले। अगर इसको मैं आई कर दूंगा तो ये कट हो जाएगा, मतलब रो के ऊपर डिपेंड होगा यहां पे। जैसी ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तीन रोज है ना मेरे पास, इसलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं इसको, देता हूं उल्टा। आई एम गोइंग टू इनवर्स द डाटा, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये 4 से स्टार्ट हो और तब तक जाए जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू आए है और माइनस माइनस, और इसको भी मैं 4 कर देता हूं। नाउ जस्ट सी, अब ये उल्टा हो गया आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग बैक, ये वाली भी हो जाएगा। ये कोई बता सकता है लॉजिक क्या लूप का चलेगी इसकी? रो तो पूरी है कॉलम, ये वही केस है जो मैंने आई पे डिपेंड करना है, ठीक है। सिंपल, उल्टाना नहीं है। अगर इसको उल्टाऊंगा जो मैंने ये वाली आउटपुट अब निकाल ली है, ये ऐसी आएगी, ठीक है। अब ये स्पेशल केस, ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूं एरेज के ऊपर आज। सो इफ वी हैव अ दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न, ये सीधा नहीं चलेगा डियर। लाइक कैसे, आप थोड़ा सा इसको समझ लो पहले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं क्या करता हूं यहां पे, क्या कर देता हूं, एक कराता हूं स्टार प्रिंट, ठीक है। तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये इनवर्स हो गया, इसको मैं 1 से कर देता हूं। नाउ यू कैन सी ये स्टार सबको आता है, ठीक है। वही कट वाला जो कॉलम है आई पे डिपेंड कर दिया हमने, ठीक है। ये कट आ गया, बट मैं यहां चाहता हूं यहां इसको मैं टिल्ट कर दूं आगे तक। ये तो एक और चीज मैं बतानी है, क्योंकि जो आउटपुट स्क्रीन होती है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो डाटा होता है, इसलिए बिल्कुल इसके साथ इंक्लाइंड आ रहा है, बिल्कुल साथ साथ जुड़ा आ रहा है। बट आई वॉन्ट अ शिफ्ट, जो ऊपर वाले स्टार है वो सेंटर में आ जाए। तो ये तो ऐसा था कि जे 1 से शुरू कर रहा था, रो पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे स्पेस कैसे डालू। इसके लिए ये स्पेशल केस होता है सबसे। ध्यान से देखो ये लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, सोचना कैसे है। सबसे पहले रफ में हमें स्पेस लगानी पड़ेगी, जो अज्यूम्ड स्पेस होती है, ठीक है। रफ में पहले बना के देख लो हो क्या रहा है, इधर स्पेस डालनी है, बाकी सारा प्रोग्राम वही है, हमने सिर्फ स्पेस डालेंगे और उधर को क्या लो धकेल देंगे हम। पहले ये देख लो ये कॉलम के ऊपर, ये देखो ये वाली, अगर ये मेरा पॉइंटर देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस है और यहाँ पे 4 स्पेस है, ठीक है। ऐसे है ना। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, फर्स्ट दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, राइट। 1 2 3 4 5। अब यहां पे क्या लॉजिक है, यहां पे कॉलम का जो पंगा होगा, वहां स्पेस का पंगा होगा, वो क्या होगा, बाकी प्रोग्राम में सेम वैसे चलना है, ठीक है। पहली रो में कितने स्पेस आ रहे हैं, 4, दूसरी में 3, मैक्सिमम डाटा मैंने कितना डालना था, 5 रो थी, रो का कोई स्पेस के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाँ। जितनी रो की वैल्यू, जितनी मेरी रो है, अगर मैं 5 में से रो नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास उतने कॉलम्स आ रहे हैं, उतनी स्पेस आ रही है। लाइक मेरे पास टोटल 5 स्टार्स है ना या 5 कॉलम्स है ना, तो पहली रो में क्या है,
पहली रो में मैंने चार स्पेस डालनी है, ठीक है। चार स्टार का मतलब होता है सीधा सा लॉजिक, पांच फाइव माइनस वन दैट इज फोर, और वन क्या है कॉलम नंबर। इसका मतलब फाइव माइनस वन अगर डालूंगा तो चलो ये आउटपुट देख लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरी रो वैसी है आई इक्वल टू वन से लेके फाइव तक, नेक्स्ट लाइन पे गया, ये सारा जो है मेरा स्पेस वाला है कि मैंने के फाइव से शुरू किया, के कुछ नहीं मैंने वेरिएबल लिया स्पेस के लिए, लूप के लिए। ये लॉजिक क्या चलेगा, क्योंकि तो मैंने अभी देखा है कि पहली रो का मतलब है चार स्पेसेस, मतलब पांच में से एक कम कर दो चार स्पेसेस। अगली बारी पांच में से रो की नंबर क्या है दो, सेकंड रो है दो माइनस कर दो तो तीन। अगली बारी थर्ड रो आ गई, पांच में से तीन माइनस कर दो दो, पांच में से चार माइनस कर दो वन, पांच में से पांचवी रो है पांच में से पांच माइनस कर दो कोई स्पेस नहीं। दैट्स व्हाई वो बिल्कुल इसके साथ लगा आ जाएगा। एंड हाउ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न, राइट। स्पेस कैसे लिखनी है, ये सी आउट के बाद सिंपल एक स्पेस डाल देनी है, ठीक है। अब ये देखो ये इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे, चलो इसकी वैल्यू मैं फोर की बजाय मैं फाइव कर देता हूँ, क्योंकि आपने फाइव वाला किया ना। चलो ये एज इट इज, नथिंग टू डू मोर। इसके अंदर मैं फॉर लूप लगाऊंगा के इक्वल टू फाइव, के लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस आई एंड के माइनस माइनस, प्लस प्लस नहीं करना नहीं तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। सी आउट स्पेस सो दैट्स, मेरा काम खत्म हो गया, नथिंग टू डू मोर बिकॉज दिस इज फॉर स्पेस। यहाँ पे की वेरिएबल डिक्लेयर करना है। एक और चीज मैं बताऊंगा, अगर आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो आप डायरेक्टली, ये नई चीज होगी आपके लिए, फॉर लूप में डायरेक्टली आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देंगे, कोई एरर नहीं रहेगा वो, ठीक है। मैं चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इट विल एग्जीक्यूट। यहाँ पे ग्रेटर आना ना, उल्टा साइन है इसलिए, चलो ये चल पड़ा आपको। एक स्पेस, अच्छा पूरी यार पूरी वैल्यू, एक सेकंड वन, हाँ ठीक तो है। I equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus, J equal to 1, J less than equal to I, J plus plus, int K equal to 5, K variable 5 लिखता, जब तक चले जब तक K की value greater than equal to 5 minus I नहीं होती, ठीक है, 5 minus I नहीं होती और K minus minus, और C out is a single space, ठीक है यार, अभी ठीक है। A भी inverted है, A भी inverted है, nested है, अभी ठीक तो है। Now we will try again. अगर नहीं हुआ तो output में देखते हैं यहाँ कमी कहाँ आ रही है। ठीक है। ओके। Equal to one. अच्छा। Shit यार। स्पेस उल्टे डल रहे हैं ना, वो नीचे लग रहे थे इसलिए। दिस इज लॉजिकल ट्रबल शूटिंग। अगर आपके आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही देन यू नीड टू, ओ यार यहाँ पे ना हो जाए प्रॉब्लम, हैंग कर गया। एक सेकंड
need to execute the reload the page. Just wait. Just wait. I have to redo the program again. आप सबकी सर्टिफिकेशन आज आ जाएंगी, शायद आ गई होंगी आपको, मेल चेक कर लेना. सर हमारी कल भी क्लास लगेगी? हाँ हाँ कल आ जाना, मैं कल एक्स्ट्रा करा रहा हूँ एक दिन और. ठीक है, वो फर्स्ट दिन थोड़ा रह गया था ना हमारा, इसलिए. और सर सर्टिफिकेट कब आएंगे? शायद आज शाम तक आ जाएंगे बच्चे, इन केस आज ना हुआ. एक्चुअली बाकी सर्टिफिकेशन भी चल रही है ना, जो वेबिनार वगैरह हुए थे वहां पे, नहीं हुआ तो कल मिल जाएगा. वैसे मैं आज क्या कह रहा हूँ उनको, दे विल हैंड ओवर टू यू, मतलब मेल के थ्रू आ जाएंगे आपको. ठीक है सर, आपने वेब डिजाइनिंग भी आपने करानी है? नहीं, मैंने वेब डिजाइनिंग, मेरा पार्ट नहीं होगा यार, वो कोई और सा करवा रहे हैं. int i comma j comma k, ये देखो int, बस यही है. आपके करेक्टर्स जो कीवर्ड्स हैं वो कलर चेंज होना चाहिए, नहीं हुआ तो इसका मतलब श्योर है आप में कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है जो कि सिंटैक्स एरर को क्रिएट करेगी. ठीक है, आई प्लस प्लस, ये मैं आया, सी आउट किया मैंने कैंडल, आफ्टर देन मैं स्पेस वाली लूप स्टार्ट की मैंने, फॉर के इक्वल टू वन, के लेस देन इक्वल टू फाइव, 5 माइनस 5, ठीक है, आफ्टर देन के प्लस प्लस, सी आउट, आफ्टर देन 4, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस. यहां पे मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, स्टार प्रिंट कराना. ठीक है, CLRSCR. ठीक है, दिस इज योर स्टार, ये प्रिंट हो गया. बट ये नहीं चाहता मैं चाहता हूं इसमें कितनी रोज है, 5 stars, 5 rows है. मैं चाहता हूं मैं अपनी मर्जी से, कंप्यूटर मुझसे पूछे कितनी रोज वाला स्टार प्रिंट कराना आपने, मैं कहूं 7, तो मैं कोडिंग में चेंज करूं, अपने आप कोडिंग चेंज हो जाए. लाइक इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं उसको कहूंगा, ये होती है प्रोग्रामिंग बेसिकली, एंटर रेंज या जो भी आपने हाइट एंटर करानी है, व्हाट एवर बी द वर्ड यू लाइक टू यूज, एन. ठीक है, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 5 की जगह एन, 5 की जगह एन, एंड दैट्स इट. सबसे पहले मैं उसको कह दिया 4, 4 वाला हो गया, 1 2 3 4. नाउ यू कैन सी मैं कहता हूं एन. अब देखो स्पेस आउट अपने अकॉर्डिंगली डालेगा, यही तो प्रोग्रामिंग है, समझ रहे हो, दिस इज रियल प्रोग्रामिंग. किया मैंने कुछ नहीं है, मैंने जो 5 वैल्यू डायरेक्टली डाल रहा था उसको मैंने एन में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट. अब इसको भी आप चाहते हो कि मैं बार बार ना आऊं, तो इसमें भी क्या कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो. लाइक व्हाट, आप इसको पूछ सकते हो यू वॉन्ट टू एग्जिट और यू वॉन्ट टू रिकॉल अगेन. ठीक है, लाइक मैं इसको डालूंगा यहां पे,
cout, यहाँ पे मैं कर देता हूँ slash n. Would you like to exit? If yes, then press 0. Otherwise, x. अब x की वैल्यू 0 1 है, ये वेरिएबल मैंने नया ले लिया. अब ये क्या करेगा यार, सबसे सबसे मेन बात ये है, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा गो टू वाली बात. अगर तो x की वैल्यू आप क्या चाहते हो, एग्जिट करना है. अगर x इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है, तो आप इसको जंप करवा दो या ब्रेक कर दो. ब्रेक कर दो, ब्रेक आपको पता है वो टर्मिनेट कर जाएगा बिल्कुल ही. नहीं तो else चाहते हो आप दोबारा चले, तो दोबारा के लिए आपको पता है go to में लेबल लगा देता हूँ ab. इसका मतलब वो लॉजिक पे दोबारा जाए. और लॉजिक कहाँ स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे ab. ठीक है, now you can see the program will execute in a very different way. एक सेकेंड यार, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा इफ एल्स स्विच नहीं है. चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ गो टू कर देता हूँ, गो टू सीवी. सीवी मतलब ये बाहर आ जाए मेरे प्रोग्राम के, सीवी इस तरह कर लो इसको. सीवी में या नीचे आ जाएगा, ए बी में ऊपर चला जाएगा. ठीक है, एंटर रेंज मैं कह रहा हूँ 5. देखो अब मैं कहता हूँ नहीं, मैंने और चलाना है. आई हैव एंटर 1, एंटर किया वो दोबारा पूछने लग पड़ा. एंटर रेंज 3, प्रिंट कराया. अब मैं कहता हूँ नहीं, आई वॉन्ट टू एग्जिट, मैंने 0 एंटर किया, बाहर. ठीक है, अब आप चाहते हो मुझे बार बार पुरानी स्क्रीन ना दिखे. अब बार बार मुझे पुरानी स्क्रीन ना दिखे, इसका मतलब हर बार मैं क्या कर दूं, क्लियर कर दूं डाटा पुराना वाला. पुराने वाला डाटा क्लियर करना है तो मैं क्या करूंगा, जहां एबी पे आया है यहां से गो टू करना है ना, जंप मार डालना है, तो यहां पे मैं सी एल आर एस सी आर कर दूं. जंप मारने से पहले ही मैं क्या कर दूं, उसको बाहर कर दूं. ये आपको 1 की कंफ्यूजन होती होगी कि है क्या ये, अब आपको नहीं होगी. नाउ यू कैन सी क्या स्टेटमेंट मिसिंग के लिए आ गई, अच्छा सेमी कॉलन. हाँ एक और वर्ड याद रखना, स्टेटमेंट मिसिंग का होता है प्रोग्रामिंग में आपका सेमी कॉलन ही है. कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग का मतलब होता है ब्रैकेट्स नहीं है. मैंने कहा जी 5, एंटर आया, हाँ जी यू वांट टू एग्जिट और नॉट, आई सेड नो, इसके लिए मैं 1 एंटर करूंगा. अब देखो अब वो पुराना उड़ा दिया उसने आउटपुट. क्यों लगाया, जब मैंने गो टू लगाया था नीचे ए बी जाने के लिए तो क्या कह रहा था, ये आपको दिखाता हूँ. 7 प्रेस किया, यहाँ पे मैंने 0 प्रेस किया, ये बाहर आ गया. मैं देखो यहाँ पे मैंने जंप ऊपर लॉजिक पे जाने से पहले मैं पुरानी आउटपुट को क्लियर कर दिया हुआ है. क्लियर प्रीवियस आउटपुट, दैट इज द रीजन मुझे पुरानी आउटपुट नहीं दिख रही. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर कोडिंग एंड योर प्रोग्रामिंग. नाउ वी आर गोइंग बैक एंड मूविंग टू अ स्लाइड. हाँ बच्चे, अगर आपने जाना हुआ किसी ने तो मुझे बता देना, फिर मैं उस अकॉर्डिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर ये आता है तो आपको कोई लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये मेरा लॉजिक रहेगा जितना मैं करा सकूंगा आज, बाकी इसको करूंगा कंटिन्यू कल. अगर सी प्लस में यहां तक भी आता ना, देन यू कैन डू एनीथिंग. यहां से मैं प्रॉपर कुछ भी बनवा सकता हूँ सॉफ्टवेयर छोटा सा. ये है मेरे डियर फंक्शंस. अब फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, मैं फिर कह रहा हूँ इफ एनीबडी लाइक टू गो, मुझे क्योंकि 2 ही जाने हो और 2 ही बच्चे रेगुलर है मेरे आउट ऑफ 4,
सो बी आर श्योर मुझे बता के जाओ, ठीक है, मैं वहीं से कल कंटिन्यू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस, फंक्शन होते हैं, आपको पता फंक्शन का मतलब क्या है, कोई काम परफॉर्म, कोई काम करना, कोई परफॉर्म करना, कोई ऑपरेशन करना। हमारे हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इफ आई राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सी प्लस, इसमें जो फंक्शंस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, कुछ जो इनबिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, जिन्हें कहते हैं इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शंस। इनबिल्ट मतलब बने हुए, लाइब्रेरी मतलब ये लाइब्रेरी नाम के फोल्डर जो कि इनबिल्ट है, इसका कंपाइलर को ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। लाइक व्हाट, लाइक व्हाट आई एम राइट नाउ आई एम यूजिंग, हम दो फंक्शन तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन, स्लीप भी मैंने किया था उस दिन, गेट फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो इनबिल्ट है। अब ये बात आती है, जैसे मैंने फर्स्ट डे कहा था या सेकंड डे कहा था, यू कैन डिजाइन योर हेडर फाइल आल्सो, उसी तरह मेरा एक आज पॉइंट होगा, क्या हम अपनी मर्जी से अपने नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में? यस यू कैन, वो कैटेगरी को कहते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनबिल्ट तो हर जना यूज कर लेता है। द थिंग इज दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर नेम ऑफ अ फंक्शन, this is known as a user defined functions, right? so user defined functions होते हैं जो कि user अपनी usability के according अपने accordingly design कर सकता है, ठीक है। अब ये बात आती है design करने के लिए function, ये तो हो गई inbuilt की बात, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये header file में ये functions होते हैं। अब user defined में क्या होता है बच्चे, आप obviously आप ऐसा function बना रहे हो जो ना तो compiler को पता है, ना उसे ये पता है ये क्या करेगा, ना उसको ये पता है इसको कॉल कैसे करना है। जैसे क्लियर स्क्रीन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल क्लियर स्क्रीन लिख के ब्रैकेट डाल के सेमीकोलन डाल देते हैं, उससे वो क्लियर हो जाता है कि क्लियर स्क्रीन ऑलरेडी हेडर फाइल में डिफाइन था, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने लग पड़ा। बट नॉट, इट इज नॉट इन लाइक देयर इन द यूजर नेम यूजर डिफाइन फंक्शन, क्योंकि इसमें ना तो हमने उसको, देखो कोई भी फंक्शन करना है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंप्यूटर को बताना जिसे कहते हैं डिक्लेयर करना, एक होता है कॉल करना जिसे कहते हैं यूज कर रहे हैं हम, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे कहते हैं बॉडी। वो बॉडी का मतलब है करता क्या है। डिक्लेयर और ऑपरेशन में बहुत फर्क होता है। डिक्लेयर में सिर्फ ये बताऊंगा इस नाम का फंक्शन भाई कंपाइलर मैं तुझे बता रहा हूं कि आगे जाके यूज करूंगा, बट मैंने उसको ये नहीं बताया कि वो करेगा क्या। सो दैट्स व्हाई जो फंक्शन होते हैं बेसिकली आर ऑफ हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, वन इज डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, कॉल करना जिसे यूज करना कहते हैं, और करता क्या जिसे कहते हैं बॉडी, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं कराऊंगा, उसके बाद एक हम छोटे से प्रोग्राम पे आएंगे, आफ्टर देन इफ एनीबॉडी वांट टू गो देन यू दे कैन लीव। अच्छा डिक्लेयर, अब मैं कहता हूं आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो चेक भी कर सकते हो, सम नाम का फंक्शन नहीं होता। चलो मैं अपने नाम का फंक्शन बना दूंगा, ठीक है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। ये फंक्शन क्या है यार, अगर दिस इज हाउ यू कैन हैव टू डिक्लेयर। अब एक किसी बच्चे का क्वेश्चन था आप स्टार्टिंग में कि सर void ही लिखते हैं हम, void ना लिखे तो क्या होगा, ये मेरा जवाब है यहाँ पे आके, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हम लिखते हैं int sum int int, इसमें सबसे पहले आता है हमारे फंक्शन का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे sum लिया है, अगेन द कंडीशन इज दैट इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, यू कैन टेक एनी नेम, द नेम ऑफ फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ करेक्टर फर्स्ट, नॉट फ्रॉम अ इंटीजर, नॉट फ्रॉम अ फ्लोट, ठीक है, जो मेरे वेरिएबल के नाम है, ये सारा कुछ वेरिएबल ही है यार। अब उसके बाद नामकरण तो कर दिया हमने, अब उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आना हमने उसकी पैरामीटर्स पे, ब्रैकेट के अंदर। अब बच्चे दो चीजें होती हैं, अब हमने कंपाइलर को ये बताना है कि भाई सम नाम का तो फंक्शन है, हर फंक्शन की एक लिमिट होगी जो हम बनाएंगे कि वो फंक्शन कितने नंबर पे काम करना। मान लो ये सम का नाम कि ये एडिशन करता है, वो मुझे कंपाइलर को पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने नंबर्स को ऐड करा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा दो, दो दो मैंने कॉमा डाल के लिखे ना, और उसको ये भी बताना पड़ता है उसकी डेटा टाइप क्या हो, वो किस तरह के नंबर को ऐड कराए, क्या वो इंटीजर को कराए, इंटीजर फ्लोट को कराए, फ्लोट फ्लोट को कराए, करेक्टर करेक्टर को कराए, या कैसे कराए। सो इसे कहते हैं पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है, मैं कितने आर्गुमेंट का डाल रहा हूँ उसका पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, दो आर्गुमेंट डाल रहा हूँ और दो पैरामीटर क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर टाइप है। इसका मतलब यहाँ से उसको क्लियर होगा कि भाई सम नाम का एक फंक्शन यूजर ने बनाया है जो कोडिंग कर रहा है, और उसकी ये पैरामीटर और आर्गुमेंट ऐसे हैं कि वो दो नंबर डाटा टाइप पे काम करेगा, दो इनपुट पे काम करेगा, और वो इनपुट कैसी होंगी, उसकी डाटा टाइप कैसी होंगी, दोनों इंटीजर की तरह। चलो ये भी खत्म हो गया। अब उसके आगे जो लगता है, जहां पे वो बच्चे का क्वेश्चन था, ये void ही क्यों लगाते हैं, इंटीजर नहीं लगा सकते, फ्लोट नहीं, इट इज अप टू यू।
अब ये वर्ड क्या निकल के आता है, इसे कहते हैं रिटर्न टाइप. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड रिटर्न टाइप. इसका मतलब होता है जब ये मेरा, अगर मेरा कर्सर देख पा रहे हो, जब ये मेरा फंक्शन दो इनपुट्स पे काम करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तब उसकी आउटपुट किस तरह की आए. जब इस फंक्शन को मैं दो नंबर ऑफ इनपुट्स दूं, देन हाउ इट विल गिव मी द, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट विल गिव मी इन द आउटपुट. अगर दो इंटीजर को ऐड करेगा तो उसकी आउटपुट भी किस तरह की आएगी, उसकी रिटर्न टाइप की होगी, दैट शुड बी अगेन इन इंटीजर. सो रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि जब वो फंक्शन चलेगा उसकी आउटपुट किस तरह की आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं पता, वो तो जो इनपुट डालूंगा तब है ना, कि वो भी इंटीजर टाइप. इसको फ्लोट भी कर सकते हो आप, इट इज अप टू यू. इसका मतलब ये तीन पार्ट्स होते हैं. दिस इज द फंक्शन हाउ. यहाँ पे आया वॉइड में, क्लियर स्क्रीन किया है. ये मैंने क्या किया बच्चे, ध्यान से देखो, एक सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया. अब इसमें फिर वही बात है, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, ए बी अंदर जाएंगी, सी में मैं आउटपुट रिसीव करूंगा जो मेरी क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप. चलो जी, मैंने दो नंबर एंटर कराए. दिस इज हाउ यू कैन कॉल द और यूज द फंक्शन. मैंने कहा किया सिंपल, जैसे क्लियर स्क्रीन लिखता था, क्योंकि वहां पे वॉइड होते हैं. आपको पता है वॉइड क्लियर स्क्रीन भी लिख सकते हो, बट उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए दिस इज हाउ सिंपली आप. अच्छा एक और बात, आप अपना प्रोग्राम करोगे ना प्रैक्टिस, आप वॉइड की वॉइड काट के ना अकेला मेन लिख देना, तब भी चल जाएगा. वॉइड लिखना जरूरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट द फंक्शंस आर वॉइड. यहाँ पे क्या लिखूंगा, सम ब्रैकेट में, मैंने दो इनपुट कौन से डिक्लेयर किए हैं, ए और बी. मैंने सम को क्या किया, ए और बी दे दी. अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि सम नाम का फंक्शन जब वो ए और बी पे काम करेगा उसकी आउटपुट आएगी, और उसके आउटपुट में किस में डालू, रिसीव करने के लिए क्या हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया है कि उसकी आउटपुट किस तरह की हो, इंटीजर टाइप और रिटर्न टाइप. इसलिए मुझे सी नाम का आउटपुट वेरिएबल रखना पड़ेगा. ये क्यों रखना पड़ेगा, जब ये सम नाम का फंक्शन काम करे इन रिटर्न, वो सी में उसकी आउटपुट डाले जिसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करा सकूं. इस तरह से सम इज सी. ये सारा कुछ हो गया कॉल, ये कुछ हो गया डिक्लेयर, बट अभी तक मैंने कंपाइलर को एक बार नहीं बताया कि ये सम नाम का फंक्शन करता क्या है. एडिशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहा है, क्या लगा रहा है. इसके लिए बॉडी होती है, और बॉडी बी श्योर हमें प्रोग्राम के गेट के बाहर जाके लिखनी पड़ती, जिसे कहते हैं ग्लोबल डेक्लरेशन. ठीक है, इस ये बॉडी लिखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं यार. ये देखो, जैसे डिक्लेयर नहीं किया हमने इंट सम इंट इंट, बस ये उठाना है. पहले इंट में क्या डाला आपने, ए, देखो कॉलिंग में देखो ए. दूसरे इंट में क्या डाला आपने, बी. सिंपली वैसे लिख देना इंट सम, स्पेस देना आपने, स्पेस है बीच में, इंट स्पेस. पहले में ए दे दी इनपुट, दूसरे में बी दे दी. ठीक है, अब इनको ऐड करना, ऐड के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए. सी नहीं यूज कर सकते, सी मैंने आउटपुट के लिए वहां पे यूज कर दिया. ये मैंने एडिशन करने के लिए निकाला है. सो व्हाई आई हैव टेकन एनी वेरिएबल, आई हैव टेकन डी. मैंने क्या किया, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पे लॉजिक समझो, डी में मेरी आ गई है आउटपुट, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम से बाहर आया हूं, मुझे दोबारा वापस प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है. पहले भी आपको बताया हुआ है ए बी सी डी, ये सिर्फ हमारे लिए है, उसके लिए तो इसकी वैल्यू, कंपाइलर के लिए तो ये वैल्यू है. इसका मतलब जो भी मेरी वैल्यू आई है, मैं रिटर्न वापस जाऊं कहां पे, जहां पे ये कॉल हुआ. इसका मतलब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, क्लियर स्क्रीन हुआ, सम डिक्लेयर कराया, तीन नंबर एंटर कराए जिसमें से दो नंबर मैंने इनपुट कराए. अब सम ए बी, यहाँ पे जब मैंने कॉल किया, वो कहता यार, कंपाइलर कहता सम नाम की बॉडी कहाँ पे है, वो डायरेक्टली यहां से जंप मार के नीचे आ जाएगा. यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करेगा, मान लो 10 प्लस 20 है, आंसर आ गया 30, तो वो क्या करेगा, रिटर्न 30 की 30 लेके रिटर्न बैक जाएगा जहां से उसको कॉल की थी. यहां से वैल्यू उठा के कहां जाएगा, जहां से उसको कॉल की थी यहाँ पे. इसका मतलब जब ये सम नाम का फंक्शन चला और इन इन रिटर्न उसने कितनी वैल्यू दी, 30, और 30 वैल्यू कहां आ गई, सी में, और उसके कारण यहां लिखा जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, सम इज 30. दिस इज हाउ योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट. अब ये एक प्रोग्राम मैं करा देता हूँ, आफ्टर देन इफ एनीबडी लाइक टू गो दे कैन. ठीक है, तो किसी की क्लास है तो, बट बता रहे हैं तभी मैंने क्या अगला टॉपिक कराऊंगा साथ में. ये खत्म नहीं हुआ हमारा फंक्शन, बी श्योर. ठीक है, इंट इंट सम, चलो सम छोड़ो, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, इंट कॉमा इंट.
ठीक है, चलो ये भी छोड़ो, मैं तीन इंटीजर वाला लेता हूँ, मेरा फंक्शन तीन वाला होगा, इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, चार वेरिएबल एक आउटपुट वेरिएबल, मैंने कहा सी आउट एंटर अ नंबर, इट मींस मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने जा रहा हूं जो कि तीन नंबर्स को ऐड कर सकता है और मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप कैलकुलेशन करने की। इसी तरह से मैं आपसे कैलकुलेटर बनवाना चाहता हूं जो कि डायरेक्टली सिंबल बेस्ड हो, सॉरी ये फॉर्मूला ही लगाना हमने तो कॉल करना है, मोहित को कॉल किया और बीच में वैल्यू दे दी ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट किस में आ जाएगी, डी में, सम इज डी में एंड गेट ये आ गया मेरा, ये तो हो गई बॉडी। अब यहां पे करेगा क्या, करेगा क्या, इंट मोहित इंट, पहले में क्या डाला मैंने, ए इंट स्पेस बी इंट स्पेस सी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, मैंने ई ले लिया, मैंने कहा ई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और रिटर्न ई, वापस भी तो भेजना है, क्यों, जब यहां यहां से मोहित से कॉल करूंगा, बिकॉज यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे तो मैंने कॉल किया है, यहां पे मैंने डिक्लेयर किया है और यहां पे मैं बना रहा हूं इसकी बॉडी। जब ये आउटपुट आ जाएगी, मान लो 10 प्लस 20 प्लस 30 हो गया, ये आ गया 10 प्लस 20 प्लस 30 60 हो गया, तो 60 मैंने वापस लेके जाऊं। नाउ जस्ट सी हाउ द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, अगर कोई आपको ब्रैकेट से कमी होती है वो एरर अपने आप बता देता है, बी श्योर, ठीक है। एंटर नंबर मैंने यहाँ लिखा नहीं, आपको आपको ये भी लिखना पड़ेगा कितने नंबर एंटर कराने, मैंने कहा 10 20 30 सम इज 60। ये होती है प्रोग्रामिंग जहां पे आपको कोड नहीं दिखाना, आम बंदे को लगे अच्छा बंदे ने करना है जो तीन नंबर को ऐड कर रहा है या दो नंबर को ऐड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब यही चीज अगर मैं सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, कोई बात नहीं यार, मैं फॉर्मूला चेंज कर दूंगा, ये लो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, इट विल एग्जीक्यूट लाइक दैट, लाइक 100 30 20 आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको कहोगे यार वैसे भी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही रही थी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतना कुछ करने की, एग्जैक्टली आपके दिमाग में आएगा, नाउ जस्ट सी मैंने क्यों किया है, एक ही बार फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला में एक बार लगाऊंगा और लाइक सी आउट एंटर नेक्स्ट थ्री नंबर, मैंने कहा नेक्स्ट थ्री नंबर क्या लिए, मैंने एक एफ जी एच, उसको दोबारा मैंने कहा डी इक्वल टू मोहित एफ कोमा जी कोमा एच, एंटर फर्स्ट थ्री नंबर्स, नाउ सी द आउटपुट। अब अगर मैं दूसरी बारी भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं नेक्स्ट थ्री नंबर के लिए, मुझे बॉडी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये होते हैं फंक्शंस जिसमें एक ही बारी बॉडी बनाओ और जितनी बारी मर्जी यूज करो, लाइक आप अपना फंक्शन यूज करते हो गेट, लाइक आप अपना प्रोग्राम फंक्शन यूज करते हो क्लियर स्क्रीन या स्लीप, वो एक ही बारी डिक्लेयर हुआ हुआ बॉडी में, आप एक ही प्रोग्राम में जितनी मर्जी यूज करो। इसी तरह से मैं इसको कॉल कर रहा हूं सेकंड टाइम इन द सेम प्रोग्राम, सॉरी इसको सेकंड टाइम मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, तीन नंबर में दोबारा एंटर करा लिए, देखो हो क्या रहा है, क्या ये चलेगा यार, हैंग ना करते बस, नाउ जस्ट सी
ये रिपोर्ट जरूर देख के जॉब अगर किसी देना। मैंने कहा जी ऐड कर रहा हूँ 10, 20, 30 अब एंटर नेक्स्ट नंबर आल्सो चलो करके देखते हैं 30, 50 अगेन इट इज आउटपुट इज राइट 30, 70, 70, 50, 120 ठीक है। इसका मतलब ये फायदा क्या है बॉडी एक बार बनाओ चाहे उसमें बार बार कॉलिंग करी जाओ ठीक है दिस इज द फंक्शंस और इसी के बेसिस पे आप कुछ भी बना सकते हो। मैं कोशिश करूंगा ये कल तक एक प्रोग्राम आपको बना बनाया मिल जाए कैलकुलेटर वाला ठीक है बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप बनाओ ठीक है। इसमें आई विल गिव यू सम चलो मैं थोड़ी सी हेल्प दे देता हूँ कोशिश करो यार जितना अगर आप कर सकते हो तो मैं जरूर कहूंगा करने की। सॉफ्टवेयर भेज देना था ओ यार मैं सॉरी मैं ना एक्चुअली ऑफिस में रोज जाना पड़ता है मैं भूल ही जाता हूँ मैं चल मैं मैं अभी आज को भेजता हूँ। इसमें क्या करना आपने सम इंटेंट इंट सम सब्ट्रैक्ट इंटेंट इंट मल ये जो भी नहीं है यार ऐसे लेना है मैंने शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ ठीक है मुझे आप मतलब तीन फंक्शंस डिक्लेयर कराने हैं और ए कॉमा बी कॉमा सी तीन वेरिएबल्स ले लिए चलो मैं प्रोग्राम बना ही देना यार बट इसको मैं एज अ कंप्यूटर नहीं बनाऊंगा एंटर टू नंबर्स और इसको मैंने किया ए बी दो नंबर एंटर कर लिए और मैंने कहा सी इक्वल टू सम ए कॉमा बी अब सी मैंने आउटपुट ले ली क्या स्लैश एन सम इज आउटपुट किसमें आई है सी में दर्शन अब उसके बाद सी में क्या कर दिया मैंने सब सी में मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट को कॉल करा दिया मतलब सी में मैंने क्योंकि एक बार जब वैल्यू प्रिंट होगी ना तो दोबारा तो चाहिए नहीं मुझे सी की वैल्यू इसलिए मैंने सी वेरिएबल को दोबारा यूज कर लिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वी कैन डू वन थिंग हम यहाँ अलग वेरिएबल ले सकते हैं वो कोई फर्क नहीं है वैसे ठीक है इफ यू अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई चाहिए तो अलग वेरिएबल ले सकते हो। इसे मैंने ए और बी को इसका मतलब मैं एक ही प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ दो अलग अलग फंक्शन बना के उन्हीं नंबर को एड भी करके दिखा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ ठीक है बट दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वॉन्ट मैं इसलिए आपको अलग सा बना के दिया ताकि जो मैं कहूँ वो आप उसके लिए आपको हेल्प मिल जाए थोड़ी सी बस ठीक है ये भी हो गया। उसके बाद C इक्वल टू एम यू एल इसमें भी A कॉमा B और C आउट स्लैश एन मल्टीप्लाई इज दैट इज अगेन इन C दैट्स इट। अभी ये बात रह गई यहाँ पे मुझे तीनों के बॉडी बनानी पड़ेगी बस ये तो जरूरत नहीं ये यहीं से हो जाएगी डिलीट ई वेरिएबल चलो ई वेरिएबल रहने दो ए प्लस बी रिटर्न ई कुछ नहीं करूंगा मैं ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये इसी को मैं दोबारा यूज कर सकूं ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ ये देखो इफ यू कैन कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट पेस्ट कर लीने शिफ्ट इंसर्ट ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल इंसर्ट मुझे तीन बॉडी बनानी है यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट इंसर्ट यहां मैं कुछ नहीं करूंगा सिर्फ मैंने यहाँ सब लिखूंगा ये सब ट्रैक का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये आ गया मेरा एम यू एल दैट्स इट आई डन विद द प्रोग्राम Now you can see. I was hanging on again. So error किस चीज़ था वो? Oh sorry, semicolon नहीं लगाया. मैं फिर semicolon नहीं यार लगना है. ठीक है? अगर नहीं लगा तो error दे देगा. ये छोटे-छोटे errors होते हैं. That hardly matter. ये अब ये कौन सा रह गया? Sub. Oh. ऊपर मैंने सब नहीं लिखा एस यू रह गया था
टाइपिंग मिस्टेक जब भी होगी वो एरर देगा ही देगा, ठीक है, अब चल पड़ाएंगे। कुछ नहीं, नाम वगैरह या सेमी कॉलम थे दैट कैन बी इजीली ट्रबल शूट। एंटर टू नंबर्स, मैंने कहा जी 80 और 40, ऐड करेंगे 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, मल्टीप्लाई करेंगे 3200। बट मैं, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं, जो मैं चाह रहा हूं इसको आप इफ या स्विच के थ्रू चलाओ और आप पूछो ये करने के बाद, ये दो नंबर चलाने के बाद, एंटर करने के बाद आप क्या पूछो ऐसे, हाँ जी, वहां पे लिखा जाए लाइक एंटर योर चॉइस, ठीक है, क्या किस तरह की चॉइस, अगर आपने ऐड करना है तो 1 एंटर करो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 एंटर करो, गॉट इट, ये कहाँ चला गया, तो अच्छा, तो आप 2 एंटर करो, 1, इसी तरह सी आउट, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 एंटर करो, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद लगा दोगे इफ स्टेटमेंट, इफ बट आपने चॉइस एंटर नहीं की, पहले उसको चॉइस भी एंटर कराओगे आप, जो भी चॉइस एंटर करोगे आप वो मान लो एन में डाल दो और ऊपर वेरिएबल ले लो एन, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आपकी आ रही है इन बिटवीन 1, 2, 3, 1, 2 और 3, वो इंटीजर वैल्यूज है, इसका मतलब ये आपने डाल दिया n, अब जो n की वैल्यू आगे, n की वैल्यू क्या आएगी, या 1 या 2 या 3, यहां पे चेक कर लो n, अगर तो इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो सम का फंक्शन कॉल करा दो, नहीं तो एलजेफ, अगर n इक्वल टू 2 है तो ये करा दो, एज इफ n इक्वल टू 3 है तो ये करा दो, एज अगर इसके अलावा कोई गलत वैल्यू एंटर कर देता है सी आउट स्लैश n रॉन्ग वैल्यू एंटर, बट इसको आपने मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाना है, आई विल गिव यू द जस्ट एक ऊपर ऊपर से व्यू दे रहा हूं, नाउ यू कैन सी एंटर टू नंबर्स, आई सेड 60 एंड 30, ये मैंने स्लैश नहीं डाला इसलिए इकट्ठे आ रहे हैं, एंटर योर चॉइस, ऐड करना है तो 1, सब्ट्रैक्ट करना है 2, आई सेड 3, अब बाकी नहीं आई, क्यों, मैंने इफ एल्स लगा दिया, इसको अच्छे तरह सजा के दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है, कल मैं इसकी बाकी टाइप्स करवाऊंगा फंक्शंस की, क्लियर है, समझ आ रहा है, बाकी दूसरा इसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ, इसका सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देता हूँ, जितनी अभी की रिकॉर्डिंग हुई है वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली, मैं वो यूट्यूब डाल के उसका लिंक भी भेज दूंगा, अगर इस ये टॉपिक किसने लाइक इफ यू एनीबडी वांट टू रेफर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बीच में प्रोग्रामिंग करते हुए, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।